दोस्तों, हम सब के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा क्षण जरूर आता है जिससे हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल, हमारा कॉन्फिडेंस सब कुछ कमजोर हो जाता है। हमको समझ में नहीं आता है कि जो प्रॉब्लम सामने चल रही है उसका हल कैसे निकालें हम। हमको ये समझ में नहीं आता है कि इस सिचुएशन को कैसे पार करें। ऐसे ही कई क्षण मेरे भी जीवन में कई बार आए हैं और मैंने एक चीज का सहारा लिया है, मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। दोस्तों, श्री सोहनलाल द्विवेदी जी एक हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। उनके द्वारा लिखित एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी पंक्तियों के सहारे से मैंने अपनी कई कठिनाइयों को पार किया है और आज मैं उसी कविता को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।